स्वागत है आप सभी का अकेडमी पे। दिस इज मी दीपक कुमार सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, देखेंगे बच्चों, जिसमें टेलीग्राम आईडी दीपक सर यूपीएससी, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेक्चर के लिंक्स और पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, यस, इट हैज बीन स्टार्ट एंड गेट सब्सक्राइब अन अकेडमी गाइज। ठीक है, दो कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक। ठीक है, अगर बेसिकली हम आज से कुछ साल पहले जाने तो सिविल सर्विस करने के लिए एक ही प्लेस बचता था, दिल्ली। ठीक है, लेकिन अन अकेडमी ने सिविल सर्विसेज को लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अन अकेडमी के दो कोर्सेज है जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। एक प्लस है, एक आइकॉनिक है। प्लस में आपको सभी ऑल क्लासेस मिलेंगी, टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेंगे, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आइकॉनिक, इन सभी के साथ में आपको एक ऐसा फीचर मिलेगा, लाइक आपको अनअकैडमी एक पर्सनल मेंटर असाइन करता है। ये पर्सनल मेंटर आपको गाइड करता है, आपके फीडबैक देता है, आपको डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराता है। ये सारे बेनिफिट आपको आइकॉनिक में देखने को मिलते हैं। इन दोनों कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। आप सब्सक्राइब करते समय कोड यूज करेंगे दीपक1, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, एज वेल एज आप मेरे मुझसे भी पर्सनल मेंटरशिप जो है आपकी, वो मैं करूँगा। ठीक है, पर्सनली आपको गाइड करूँगा। सेकेंड देखेंगे ऑप्शनल के बारे में, तो ऑप्शनल मैं हमेशा से बोलता हूँ, इट इज़ फॉर द गेम चेंज। यूपीएससी में अगर आपको गेम चेंज करना है, अगर आपको रैंक होल्डर बनना है, तो आपकी बस एक एक ही रास्ता है, वो की पॉइंट जो है वो है ऑप्शनल। तो रिवीजन के लिए आप 1 month बहुत बेस्ट है, और पूरे कोर्स के लिए 12 month। यू जस्ट यूज द कोड दीपक1, यू विल गेट 10% डिस्काउंट हियर ऑल्सो। ठीक है, दैट इज अनदर बेनिफिट फ्रॉम द अनअकैडमी। फिर 27 जून को एग्जाम भी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। इम्पल्स और राइज को अनलॉक करने के लिए दीपक वन कोड यूज करें। और फिर आप तो ऑप्शनल जो कोर्स है और जीएस का, दोनों के कॉम्बो लेने के लिए आप दीपक वन कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1 year एनसीईआरटी बैचेस आर अवेलेबल हैं, 2 year बैचेस, 3 year बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट। तो सब्सक्राइब करें, डोंट बी लेट। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका आपके सामने है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कॉम्बैट संडे को, इस संडे को सुबह 11 बजे दीपक कौन कोड यूज करना है। ऑल ओवर इंडिया सबसे बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, 60 क्वेश्चन आपको करने 60 मिनट्स में। ठीक है, दैट इज अनदर बेनिफिट बाय अनअकैडमी टू द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, आप सभी के लिए टुडेज टॉपिक इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इन दिस टॉपिक आपको मालूम चल गया होगा, इफ वी टॉक अबाउट इंडो इस्लामिक, देन ये चीज क्लियर हो गई कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेडिवल आर्किटेक्चर, मीन्स मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग इंटर कर रहे हैं। तो क्या एंसेंट में ऐसा कुछ नहीं बना बचा? तो बचा, एंसेंट का पेंटिंग, एंशिएंट का पॉटरी मेकिंग, एंशिएंट का स्कल्पचर। लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कवर होल आर्किटेक्चर, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस स्कल्पचर, देन पेंटिंग। तो सब कुछ मेरे सीक्वेंस में, मैं 10 लेक्चर में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इसकी खास बात क्या है, और क्या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो यूपीएससी में क्वेश्चन था, क्या ये एक फिलॉसफी भी है? कैन बी कंसीडर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एज द फिलॉसफी? यस, वी कैन कंसीडर। कैसे? क्योंकि जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं आपके सामने, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जो इस्लाम की इन्वेजन इंडिया पे हुए, और उन्होंने जो आर्किटेक्चर इंडिया में डेवलप किए, उन आर्किटेक्चर में स्टोन का यूज हुआ बहुत बड़े लेवल पे।
इसका सबसे सुटेबल एग्जाम्पल हमारे सामने है कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, ये आर्किटेक्चर क्या बता रहे हैं? ये आर्किटेक्चर ये बताते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्ट की शुरुआत जो स्टार्टिंग में हुई वो स्टोन से हुई, बट आफ्टर सम टाइम अपने क्लाइमेक्स पे मार्बल का यूज होने लगा। ताजमहल संगमरमर की कहानी है, पीटरा ड्यूरा का यूज हुआ, प्रीशियस स्टोन्स को बिल्डिंग में लगाए गए। तो क्या जो शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर था और जो आर्किटेक्चर इस्लामिक इन्वेजन की स्टार्टिंग में था, इनकी प्रॉस्पेरिटी क्या शो करती है? ये शो करती है कि व्हेन इस्लाम केम इंडिया, इस्लाम वॉज नॉट डेवलप, नॉट द नथिंग अबाउट द प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड, नथिंग अबाउट द प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, दे वर जस्ट एंटर्ड इंडिया एज अ इन्वेडर्स। बट वे वेन दे सेटअप देयर फीट इन इंडिया, दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। लेटर इन द फेज ऑफ द मुगल्स, वी हैव सीन हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि लास्ट में अपने क्लाइमेक्स टाइम में इस्लाम बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गया था इंडिया में। ये इसकी फिलॉसफी है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। बस आवाज ही ऐसी हो गई है, बाकी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, अ लिटिल बिट आइडिया इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बिगिंस एट द टाइम ऑफ द गौरी, मोहम्मद गौरी जब इंडिया में आया, नियर अबाउट क्लोज टू 12th सेंचुरी। बेसिकली तो इंडिया में वेल्थ के लिए आए, ठीक है, लेकिन जब वो इस्लाम की एक खास बात है, जब भी वो किसी देश में जाते थे वो अपने हिसाब से अपने इंडिजिनस कल्चर को जिंदा रखने के लिए वहां पे आर्किटेक्चर को अपना रूप दे देते थे। जैसे टर्की, होल ऑफ द टर्की वॉज इन यूरोप, इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, आप सबने नाम सुना होगा। लेकिन वेन इस्लाम अटैक ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आप कहते हो रिलीजियस वॉर, ठीक है, द वॉर बिटवीन क्रॉस, ठीक है, जो वॉर था क्रिसेंट और क्रॉस के बीच में, क्रिसेंट मतलब चंद्रमा आधा चांद और क्रिसेंट और क्रॉस के बीच में, ठीक है, समझ लो मेरी बात को। इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर था, व्हेन इस्लाम अटैक्ड ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल एंड कन्वर्ट दीज एम्पायर एज अ बेजेंटाइन एम्पायर, तो वहां के आर्किटेक्चर पूरे अलग हो गए। लाइक इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम इस्तानबुल टर्की, तो प्रेजेंट में जो टर्की का एक आर्किटेक्चर है, दैट इज द मिक्सअप ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ यूरोप एंड इस्लाम। लेट सी थ्रू द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, इस्लाम में नमाज पढ़ना होता, नमाज अदा करनी होती है, दिन में पांच दफे की नमाज अदा करनी होती है। जब इस्लाम में लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा हॉल चाहिए। तो शुरुआत में ये लोग जहां भी गए वहां पे एक बहुत बड़े बड़े हॉल का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क एक बहुत बड़ा हॉल डेवलप हुआ। दूसरा, ये तो पहला एग्जांपल हुआ। जैसे एक हम लखनऊ का एग्जांपल ले सकते हैं, इमामबाड़ा,
अब भी घोल, ठीक है, फॉर वर्शिप पर्पज। तो आप बोलोगे कि सर वर्शिप तो खुले में भी हो सकती थी, इसके लिए इतने बड़े हॉल की जरूरत क्या है? तो मैं आपसे बोलूंगा कि इस्लाम का जहां पे जन्म हुआ वो तो डेजर्ट एरिया था, वहां पे तो गर्मी होती थी, लेकिन जब इस्लाम अपने नॉर्थ में बढ़ने लगा तो टर्की में ठंडी पड़ती थी, बाइजेंटाइन एम्पायर जहां पे था वहां पे कोल्ड वेदर होता था। तो उस कोल्ड वेदर में खुले में नमाज पढ़ना पॉसिबल नहीं था। दैट्स व्हाई दे बिल्ट अ स्ट्रक्चर, अ बिग हॉल। तो इस तरीके से बड़े बड़े विदाउट पिलर हॉल को इन्वेंट किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दी नीड ऑफ इस्लामिक रिलीजियस पर्पज, टू फुलफिल द इस्लामिक रिलीजियस पर्पज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो दिस इज वन द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू सेकेंड एग्जाम्पल। वट इज द सेकेंड एग्जाम्पल? अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले बच्चों, तो हमने देखा बहुत बड़े बड़े इन्होंने पिलर्स बनाए, मतलब टावर्स बनाए, उन टावर मीनार जिसे कहते हैं, उनमें एक इंडिया में आपको फोटो में दिख रहा है कुतुब मीनार, ऐसे ही बाहर में भी बहुत सारे मीनार बनाए गए। तो आखिर ये इस्लाम के आर्किटेक्चर में मीनार क्यों आया? क्योंकि नमाज पढ़ने के टाइम जो फेथफुल प्रेयर्स, मतलब जो फेथफुल लोग होते थे, जो लोग प्रेयर करना चाहते थे, नमाज पढ़ना चाहते थे, उनको मुल्ला टावर से आवाज लगाते थे कि अजान शुरू होने वाली है, आ जाओ, नमाज शुरू होने वाली है, आ जाओ। तो इस तरीके से ये भी एक नीड थी। इस नीड को फुलफिल करने के लिए एक बहुत बड़े टावर का, मतलब को बिल्ड किया गया, और जो इंडिया में इंडिया का सबसे बड़ा स्टोन टावर कहलाता है कुतुब मीनार, उसका भी जन्म ऐसे ही हुआ। तो अभी कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे जाएगा। अगर मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाऊं तो वो यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा है, मैं फिर भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट, उनकी खुद की रिक्वायरमेंट की वजह से यहां पे आर्किटेक्चर ने जन्म लिया। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं वो बारीकियां हैं, मैं आपको लेक्चर में समझाते जाऊंगा हर एक पॉइंट में कहां कहां ध्यान देना है, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक चीज पे मैं ध्यान दूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्दर सेशन। ठीक है, चलिए जी। एक्चुअल में क्या है, अगर अयोध्या की बात आ गई है तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे आप बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हो, ठीक है, तो आपने शायद नाम सुना होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सुना है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मे बी यू हर्ड द नेम अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब बच्चों ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा आखिर था क्या? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सेना थी, आर्मी थी, वो राजस्थान में थी, जयपुर में, जयपुर के पास अजमेर में, उसे पुष्कर पे अटैक करना था। और अटैक के पहले उन लोगों को एक बहुत बड़ी नमाज अदा करनी थी फॉर द सक्सेस ऑफ द इन्वेजन, कि उनका आक्रमण सक्सेस हो, उसके लिए इनको प्रेयर पढ़नी थी। उस प्रेयर के लिए अढ़ाई दिन में जिस मस्जिद को बनाया गया उसे हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, ढाई दिन में इसको बनाया गया, और इसीलिए हम कहते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो बेसिकली मस्जिद अ प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ द प्रेयर, ठीक है। तो ये चीज हुई पहली। और दूसरी, इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे प्योर अगर दुनिया में पूछे तो वो अर्थ है, धरती को इस्लाम में सबसे प्योर माना गया है, इसीलिए नमाज जहां भी पढ़नी होती है छोटी सी कालीन बिछाइए, नमाज अदा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पवित्र अगर संसार में कुछ है तो वह धरती है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उसे किसी बहुत बड़े बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। इन दो वर्डिक्ट के आधार पर गवर्नमेंट ने
बाबरी मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला किया था। क्लियर है? ये दो चीजें हैं जो हमें सिविल सर्विस में पढ़ाई जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर में डिफरेंस देख ले। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एंट्रेंस। जो इंडियन आर्किटेक्चर का एंट्रेंस था वो ट्रैबियट स्टाइल का था, ट्रैबियट स्टाइल, ट्रैबियट। और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था वो आर्कुएट स्टाइल का था। तो इंडियन आर्किटेक्चर में लिंटल बने होते थे, जैसे आपके दरवाजे बने होते हैं उसके ऊपर लिंटेल बना होता है रोकने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा बीम, बीम देखा होगा, घर के बीच में बीम बने होते थे, वो ट्रेबियट स्टाइल है जो कि इंडियन स्टाइल था। ठीक है, अच्छा, ये लिंटेल का यूज इंडिया में सबसे ज्यादा राजपूत के टाइम में हुआ। किसके टाइम में हुआ? राजपूत के टाइम में हुआ। और एक खास बात और है कि राजपूतों ने जितने भी लिंटेल बनाए थे कोई भी सीधा नहीं था, सभी लिंटल क्रॉस थे, मतलब तिरछे थे। ये खास बात है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मैं अभी बताऊंगा आपको। और इस्लामिक आर्किटेक्चर में आर्क का यूज किया गया। अब आप पूछोगे सर ये आर्क क्यों, लिंटल ही क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आप भी बताओ, एक बहुत बड़ा हॉल बनाना है, लाइक यहां से लेकर यहां तक हॉल बनाना है, अगर आप इसको सीधा बेस दोगे तो क्या बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे ज्यादा आएगा? टेल मी। लेकिन अगर आप इसको सीधा फोर्स ना देके, ऐसा फोर्स ना देके, आप इसको थोड़ा सा इस डिजाइन में, आर्क के डिजाइन में बना दोगे, इसे कहते हैं आर्क, हिंदी में कहते हैं मेहराब। अब अगर आपने किसी में डिजाइन ऐसा बना दिया तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्ट में बट जाएगा? बताइए, क्या आप एक इंसान को बिल्कुल सीधे हाथ पे लंबे समय खड़ा कर रख सकते हो? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा आएगा और आपका हाथ टूट जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ को थोड़ा सा बेंड करके फिर उठाइए तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो बस सेम चीज के लिए इन्होंने मेहराब का यूज किया, आर्क का यूज किया। ठीक है, ताकि ये जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है इसको ये शिफ्ट कर सके और एक बहुत बड़ा हॉल बना सके विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द पिलर्स, पिलर फ्री हॉल। समझ में आ रहा है? बताइए, पिलर फ्री हॉल, ये इसकी खास बात थी, इसीलिए इन्होंने आर्क का यूज किया। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर सेकेंड में बताता हूं इनका टॉप। तो इंडियंस का टॉप में, आर्किटेक्चर के टॉप में शिखर होता था, कल हमने देखा है टेंपल आर्किटेक्चर में, लेकिन इन्होंने टॉप में डोम का यूज किया। ठीक है, डोम का यूज किया। डोम का यूज क्यों किया जाता था? क्योंकि इनके आर्किटेक्चर में पिलर्स नहीं होते थे। अब अगर पिलर नहीं है तो फिर आपको ग्रेविटेशन शिफ्ट करना पड़ेगा। आपने आर्क तो बना दी, फिर भी ऊपर से ज्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते, दैट्स व्हाई आप अंदर से खोखला डोम बनाते थे। अगर आप डोम बना देते हो तो यहां से भी प्रेशर अलग अलग भागों में बट जाता है, जिससे आपका आर्किटेक्चर लंबे समय तक होता है। मतलब आर्किटेक्चर के नमूने बहुत अच्छे हैं। मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में इतने बड़े लेवल पर पढ़ा सकता हूं कि आप दीवार को ऐसे रब करो, रब करो, फिर आप अपने गाल को उसके पास ले जाओ, जैसे आपका ये भाग, ये चीक्स आपका उसके पास में जाएगा, आप उसके हीट से बता सकते हो कब बनी थी। ठीक है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर इतना डिटेल है और इतना मजेदार है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है। फिर भी मैं एक दो आपको एग्जांपल देते हुए चलूंगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत क्या है, कि इनके शिखर थे, इनके डोम थे, तो याद कैसे होगा? रटना नहीं है ना। अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे तो रटोगे नहीं, याद रहेगा। देखो, अगर मैंने बता दिया इनका लिंटेल था, इनका आर्क था, भूल जाओगे, लेकिन क्यों लिंटेल था क्यों आर्क था तो कभी नहीं भूलोगे।
तो बस यही कहते हैं अप्रोच। ठीक है, चलो नेक्स्ट मीनार की बात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, देखेंगे मीनार यहाँ पे एब्सेंट थी। हमारे यहाँ पे खंबे होते थे, किसी भी बिल्डिंग के अगल बगल में मीनार नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे मीनार थी। जैसे ताजमहल के चारों तरफ आपको मीनार दिखेगी। ठीक है, किस मटेरियल का यूज हुआ? तो कल मैंने टेंपल आर्किटेक्चर में पढ़ाया स्टोन, इन लोगों ने मोर्टार का यूज किया। तो मोर्टार जो है, ब्रिक लाइम या मोर्टार, ये फर्स्ट सीमेंटिंग एजेंट बोला जाता है, जो दो ब्रिक्स को जोड़ने के काम में आता है। वर्क लाइक द सीमेंट, मोर्टार का यूज हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है जी? अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि इनकी सजावट कैसे होती थी। तो ये जैसे ये आयतें लिखी हुई हैं, ये कैलीग्राफी है। और दूसरी डिजाइन होती थी इनकी जियोमेट्रिकल डिजाइन। तो शुरुआत में जब भी ये कुछ बनाते थे तो ये ऐसा बनाते थे, ये दिख रहा है आपको, ये कैलीग्राफी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कैलीग्राफी है। ठीक है, कुरान की आयतें दीवारों पर बना देना, ठीक है, उसके अलावा जियोमेट्रिकल डिजाइन बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे इनका आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, इनका कैलीग्राफी और जियोमेट्री मिलाकर इन्होंने इस्लीमी को फाइंड कर लिया। और इस्लीमी कुछ ऐसी फूल पत्तियां सजावटें होती थी जिनके बीच में आयतें भी होती थी और आयतें छुपी होती थी। ये खास बात थी। ये देखिए, ये इस्लीमी है, इसमें आयतें भी हैं और आयतों के साथ साथ सजावट भी है। ठीक है, आप जिसे आलेखन कहते हो ना, आलेखन, एक्चुअली आलेखन का जन्म कुरान की आयतें और जियोमेट्रिकल डिजाइन को मिलाकर किया गया था, और तब जाकर ये बेहतरीन और सुंदर दिखती थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि अब डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत टाइम में जो आर्किटेक्चर थे वो 1206 से 1526 के टाइम में डेवलप हुए। और दो टाइप के आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, एक इम्पीरियल और सेकेंड वन प्रोविंसियल। जो इम्पीरियल आर्किटेक्चर थे बच्चों, दैट वॉज पेट्रोनाइज बाय द रूलर्स ऑफ दिल्ली, डिफरेंट डायनेस्टी के रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया। और जो प्रोविंसियल स्टाइल थी, दैट वॉज पेट्रोनाइज बाय द लोकल रूलर्स एंड चीफ्स। ये लोकल जो वहां के रूलर्स थे, वहां के जो चीफ्स थे, इन्होंने इसको पेट्रोनाइज करवाया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि इस्लाम जब इंडिया में आया तो उसका सबसे पहला टॉम्ब कौन सा था? तो इसको रट लीजिए, चाहे दिमाग में बैठा लीजिए, सुल्तान गढ़ी टॉम्ब, जो कि 4 माइल 4 माइल्स बेस्ट ऑफ कुतुब मीनार स्टेब्लिश है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनूमेंटल मुस्लिम टॉम्ब इन इंडिया। ठीक है, तो मुस्लिम टॉम्ब सबसे पहला इंडिया में अगर कोई बना तो वो था सुल्तानगढ़ी। समटाइम दिस क्वेश्चन आस्क इन द पीएससी पेपर, स्टेट पीसीएस, नॉट इन द यूपीएससी, बट समटाइम यूपीएससी पुट इट, अगर यूपीएससी ने टॉम्ब पे क्वेश्चन बनाया, टोम्ब पे। ठीक है, तो टोम्ब पे जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे एक स्टेटमेंट आ जाएगा, सुल्तानगढ़ी कंसीडर द फर्स्ट मोन्यूमेंट टॉम्ब इन इंडिया, तो आप बोलोगे यस सर इट वाज। ठीक है, क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट, तो जब इस्लाम इंडिया में आया, तो इस्लाम के इंडिया में आने के टाइम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इंडिया में बनवाया कौवत उल इस्लाम मॉस्क। अब जो ये कौवत उल इस्लाम मॉस्क बनाया, ये 1197 एडी के टाइम में बनवाया। और ऐसा बोला जाता है कि इस मॉस्क को बनाते टाइम उसने 27 हिंदू और जैन टेम्पलों को तोड़ा था, और उसके बाद मिलाकर बनाया था एक मॉस्क, एक मस्जिद। अब आप बोलोगे कि सर इसका ये कैसे हम बोल सकते हैं? तो आपको ये पिलर दिख रहे होंगे, ये पिलर दिख रहा है क्या? ये पिलर ऑर्नामेंटेड है? तो ऑर्नामेंटेड पिलर आपको और कहीं देखने को मिलेंगे,
वो आपको इंडियन आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे, पहला। दूसरा, जो लिंटल मिले ना यहाँ पे, लिंटल वो तिरछे मिले हैं, और तिरछे लिंटल तो खासियत है राजपूतों की। तो बोला जाता है कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क वॉज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, ठीक है, दैट वॉज एस्टैब्लिश बाय द डिमोलिश्ड ऑफ 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। और बेसिकली जिन टेम्पल्स को तोड़ा गया था वो टेम्पल्स राजपूत के टाइम में डेवलप हुए थे। उसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्नामेंटेड पिलर्स और क्रॉस लिंटल्स, ठीक है। तो ये था पहला आर्किटेक्चर। फिर दूसरा आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ उसे कहते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनवाया था दिल्ली के मेहरौली में, और इसको कंप्लीट करवाया था किसने? इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। अब ये क्यों बनाया गया? तो एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में, इनकी मेमोरी में इनको डेडिकेट करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया था। इसे मतलब बाद में लाइटनिंग के कारण ये 1373 में इसका चौथा मंजिल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ओरिजिनल में ये फोर फ्लोर के बने थे, चार मंजिल के थे, फोर स्टोरी के थे, लेकिन फोर्थ स्टोरी 1373 में डैमेज हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिबिल्ड करवाया। तो सबसे ऊपर वाले फोर्थ स्टोरी को जब उन्होंने रिबिल्ड करवाया तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तब से बोला जाता है कि कुतुब मीनार पांच पार्ट में है, ओरिजिनली वो फोर पार्ट में ही था। इसकी जो हाइट है 72.5 मीटर है, 399 सीढ़ियां हैं, और इसकी वजह से इसे बोला जाता है हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया, ठीक है। यस, इट इज कंसीडर एज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था ये भी एक मॉस्क है जिसे अजमेर में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब इनकी आर्मी दिल्ली से चलकर अजमेर गई और जब इनको अटैक करना था पुष्कर पे, तो नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद की जरूरत पड़ी। उस खाली मैदान पर 2.5 दिन के अंदर, 2.5 डेज के अंदर एक मॉस्क बनाया गया, और उसी मॉस्क को बोला जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब इसकी खास बात क्या है मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे आपको इसका आर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इनका आर्क, इनका खासियत था इनके स्ट्रक्चर का, और ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अलाई दरवाजा पे, तो ये थोड़ा सा अब बेहतरीन दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आर्किटेक्चर शुरुआत में डेवलप होंगे लेकिन धीरे धीरे बहुत डेवलप होंगे। अलाई दरवाजा एक प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट और मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्ट। क्यों? पहले मैं आपको बता दूं, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसके बाहर जो दरवाजा था उस दरवाजे को बनवाया और उसकी सजावट करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी को नाम दे दिया गया अलाई दरवाजा, ठीक है। यस, इसी को नाम दे दिया गया अलाई दरवाजा। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि रेड सैंड स्टोन से बनाए गए थे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये रेड सैंड स्टोन से बनाए गए, और बीच बीच में व्हाइट कलर के चूने का यूज किया गया इसकी सजावट के लिए, और जो इसके मतलब लुक को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। ये एक खास बात थी। फिर आता है तुगलक का टाइम। अब तुगलक के टाइम में बच्चों हम सबने पढ़ रखा है कि इस समय मोहम्मद बिन तुगलक था जिसको मैक्सिमम हिस्टोरियंस ने पागल करार दिया। अब ये आदमी केवल एक ही काम करने में बिजी था, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, ये राजधानी ट्रांसफर ही करते रह गया। अब इनके टाइम में अकाल पड़ा, इन्होंने फर्स्ट टोकन करेंसी निकाली, फेल हो गया।
कई लोगों ने इनके खिलाफ में रिवोल्ट कर दिए, तो ये बेचारे स्टेबल नहीं बचे कि ये कुछ बना पाए, मजे ले पाए जीवन के, मोह माया से गिर पाए। इनके लिए ये समय बचा ही नहीं। जब समय नहीं बचा तो बेचारों फिर भी एक काम करके गए, इन्होंने अपने टाइम में बिल्डिंग बहुत अच्छी अच्छी बनवाई, और इन्होंने बोला कि बिल्डिंग हो तो ऐसी हो, वरना तो बिल्डिंग ही ना हो। अब इनकी बिल्डिंग में खास बात क्या थी, तुगलक डायनेस्टी को बोला जाता है क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, लेकिन इन्हें खास बात क्या कर दिया, इन्होंने बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बनवाई। इनकी बिल्डिंग की सबसे खास बात जो थी वो थी बाटर। बाटर मतलब स्लोपिंग वॉल्स, स्लोपिंग वॉल्स, ठीक है, क्लियर है, स्लोपिंग वॉल्स, क्लियर है, यस, इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि मालूम होना चाहिए। स्लोपिंग वॉल्स क्या होगा, स्लोपिंग वॉल्स, जैसे मान लो ये आर्किटेक्चर है, यहां से ये नीचे आया, यहां से ये नीचे आया, ठीक है, ये अब ये दोनों नीचे आए और बीच में ये बहुत बड़ा अद्भुत नमूना बना, और ये जो स्लोपिंग वॉल्स थे ये इस टाइम की सबसे खास बात थे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इस टाइम का, इट बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, ठीक है, जो मैं आपको बता दूं, तुगलकाबाद, जहांपना एंड फिरोजाबाद, ठीक है, क्लियर है, तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोजाबाद, ये तीन शहर आपने सुने, ठीक है, तो तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोजाबाद, दीज थ्री सिटी वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द तुगलक टाइम पीरियड, क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दीज थ्री सिटी वॉज डेवलप ड्यूरिंग द तुगलक टाइम पीरियड, क्लियर है। नेक्स्ट आपके लोधी पे, अब उसके बाद लोधी आए, क्योंकि सैयद उतने पावरफुल नहीं थे और ना उनके पास, बेचारों के पास टाइम था कुछ बना पाए। लोधी भी बहुत कुछ नहीं बना गए, लेकिन जाते जाते नाम कर गए, ठीक है, तो देखते देखते क्या से क्या हो गए। ये गाना लोधियों के लिए है, ये आए लगा कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी कुछ करके गए, क्या करके गए आइए बताते हैं। इन्होंने टॉम्ब बनाया डबल डोम का, डबल डोम, अब तक मैंने आपको जितने आर्किटेक्चर पढ़ाए क्या किसी में मैंने ऐसा डोम आपको दिखाया, नहीं, इन्होंने एक डोम बनाया, उस डोम के ऊपर एक और डोम बनाया, और इसे बोला गया डबल डोम, क्या बोला गया, डबल डोम, ये इसका एक यूनिक फीचर है, क्लियर है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, यूनिक फीचर है डबल डोम। डबल डोम के अलावा चार बाग बनवाए, मतलब अगर ये बीच में आर्किटेक्चर है तो इधर भी पार्क, इधर भी पार्क, इधर भी पार्क, इधर भी पार्क, ये इसकी अपने आप में एक खास बात थी, क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, चारों तरफ पार्क, मतलब बीच में मोनूमेंट और चारों तरफ पार्क, क्या यही चार बाग स्टाइल बाद में बाबा डेवलप करेगा, यस, यही बाबा डेवलप करेगा बाद में, लेकिन शुरुआत किसने की, लोधीज ने की। तो लोधीज की क्या खासियत थी, डबल डोम, टोम, ठीक है, और उसके अलावा फिर चार बाग स्टाइल, क्लियर है। अच्छा, दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, लोधी गार्डन इन द सिटी ऑफ आगरा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोधी, ठीक है, इट इज द एग्जांपल ऑफ द लोधीज, क्लियर है, ये तो हो गया लोधी का। अब दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया, और यहां पे जन्म लेता है एक दूसरा सल्तनत, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मुगल आर्किटेक्चर। अब मुगल आर्किटेक्चर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, ठीक है। पहला, बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज अ मैन ऑफ कल्चर एंड एक्सेप्शनल एस्थेटिक टेस्ट। बाबर जो थी मुगल एम्पायर का फाउंडर था, ठीक है, ये इस पर्सन ने मुगल आर्किटेक्चर में सबसे खास चीज को कंट्रीब्यूट किया, क्या इसने कंट्रीब्यूट किया, चार बाग स्टाइल। आप ताजमहल के चारों तरफ बाग देखोगे, ठीक है,
इसके अलावा आप देखो सर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप समझिएगा, बाबर का जो चार बाग था ठीक है, वो कैसा डेवलप होता था मैं बताऊं आपको। ऐसे होता था, मान लो ये कोई आर्किटेक्चर है, इसके सामने ऐसे बाग ऐसे बाग, ये बाबर का चार बाग था। लेकिन आर्किटेक्चर जो होगा ना, जो मोन्यूमेंट होगा ना, वो एक साइड में होगा और उसके सामने चार बाग होंगे, एक बाग दो बाग तीन बाग चार बाग। फिर इनके आगे आने वाली पीढ़ी में आएगा शाहजहां, ठीक है, जिसने लाल किला और ताजमहल बनवाया। शाहजहां आएगा और कहेगा ये किनारे मत रखो, इसको उठा के बीच में रखो। तो अब इसके टाइम में मोन्यूमेंट बीच में आएगा और इसके चारों तरफ बाग बनाए जाएंगे। तो चार बाग स्टाइल वॉज गिवन बाई बाबर बट ब्यूटीफुली यूज बाई शाहजहां, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब इसके टाइम में काबुली बाग मॉस्क बना था, ठीक है, जामी मस्जिद संभल में बना था, और इसी के टाइम में बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला, वो इसी के टाइम में आया था, ठीक है, बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला इसी के टाइम में आया था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हुमायूं टॉम्ब। अब ये हुमायूं टॉम्ब क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, द फर्स्ट डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर। अगर आपको मुगल आर्किटेक्चर का नमूना देखना है तो इससे बेहतर नमूना कोई नहीं है। यह दिल्ली में है, इसको हुमायूं की बिडो बेगा बेगम ने बनवाया था, ठीक है, और इसको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल ऑफ आगरा है। जो आगे चल के आगरा में ताजमहल बनेगा उसका प्रिकर्सर है, मतलब ताजमहल का आइडिया लोगों ने हुमायूं टॉम्ब से लिया था, ठीक है, आप समझेंगे। इस टॉम्ब की खास बात क्या है कि इसमें पर्सियन आर्किटेक्चर और इंडियन ट्रेडिशन का मिक्सअप दिखाया गया है, क्लियर है, याद रखेंगे। पहली खासियत ये है, दूसरी खासियत ये डबल डोम है, ये भी डबल डोम है। तीसरी खासियत आर्क कॉरिडोर्स बने हुए हैं, ये देखिए ये कॉरिडोर बना हुआ है बेसमेंट में, ये आर्क का बना हुआ है, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ, ये इस जगह पे दिख रहा है आपको एट द सेम प्लेस आर्क, ठीक है। उसके अलावा छतरी कियोस्क बिकम मोर प्रोमिनेंट एग्जांपल, मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्यों, क्योंकि ये छतरी बनने से पूरा का पूरा आर्किटेक्चर पिरामिड टाइप का दिखने लगता है, ये देखिए दिख रहा है, ये इसकी कियोस्क है, ठीक है, और ये इसके ऊपर डोम है जिसे हम कहते हैं डबल डोम, क्लियर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, इट बिकम मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसकी क्या खास बात थी, तो बोला जाता है कि सिकंदर लोदी ने टॉम्ब भले ही बनवाया हो गार्डन टॉम्ब, बट हुमायूं टॉम्ब विच स्ट्राइक्स अ न्यू नोट, लेकिन हुमायूं टॉम्ब ने मुगल आर्किटेक्चर को एक नया सवेरा दिया, ठीक है। क्या था इसमें खास, जो टॉम्ब है ये प्रॉपर स्टैंड किया गया इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर गार्डन और एक बहुत बड़े वास्तु प्लेटफॉर्म पे बनाया गया, ठीक है। गार्डन जो था वो चार मेन पार्ट में डिवाइड था जिसे चार भाग बोला गया, ठीक है, और जिसके बीच में वाटर चैनल झरने बनाए गए। देखा आपने, सुना होगा घूमने जाते हो कि भाई ये फाउंटेन्स लगे होते हैं पार्क वगैरह में, तो ऐसे बीच में फाउंटेन्स बनाए गए, वाटर चैनल्स, ठीक है, चार तरफ गार्डन बीच में वाटर चैनल्स, उसके बीच में भी फाउंटेन बनाया गया, चार तरफ पानी जा रहा, बीच में लाइक एक कनाल जा रही है, किनारे किनारे बाग है, ऐसा डेवलपमेंट हुआ। और द स्क्वायर द रेड सैंड स्टोन डबल स्टोरीड स्ट्रक्चर, ठीक है, हाई स्क्वायर टेरिस पे बहुत बड़ी सीरीज ऑफ सेल्स के ऊपर डेवलप किया गया, पहला आर्किटेक्चर था इंडिया का, ठीक है। और क्या खास बात थी, ये ऑक्टागोनल फॉर्म का था, ऑक्टागोनल मतलब अष्टकोणीय, ठीक है, सेंट्रल चैम्बर कंटेनिंग द
सेनोटाइप ऑफ इंस्पायर्ड बाय द सीरियन एंड अर्लियर इस्लामिक मॉडल्स। तो इसका जो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर था डेट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सीरियन आर्किटेक्चर, ठीक है, सीरिया में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर थे उससे इन्फ्लुएंस था। और फर्स्ट टाइम रेड सैंड स्टोन यूज हुआ था व्हाइट के साथ में इसी जगह पे, ठीक है, और व्हाइट को बड़ी चालाकी से यूज किया गया था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, क्या ये पूरे रेड में बीच बीच में ये व्हाइट का दिख रहा है आपको? क्या इसकी सुंदरता को निखार रहा है, हाईलाइट कर रहा है? तो रेड सैंड स्टोन के साथ साथ व्हाइट सैंड स्टोन का यूज किया गया ताकि उसकी खूबसूरती और निखर कर आ सके। आप नीचे देखिए जियोमेट्रिकली कितना सुंदर बनाया है, ठीक है, डोर्स और विंडो पे। अब हुमायूं के बाद में मुगल एम्पायर का, मतलब हुमायूं के समय ही बोला जाए तो 15 साल तो मुगल एम्पायर था ही नहीं दिल्ली में, तब राज कर रहे थे यहां पे शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर शेर शाह सूरी का टॉम्ब है जो बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बिहार के सासाराम में है। वॉज मेड बाय मॉडिफाइंग लोधी ऑक्टागोनल पैटर्न विथ बरामदा अराउंड इट, ईच साइड पियर्स्ड बाय आर्चेस एंड द हॉल सरमाउंटेड बाय ए लार्ज वाइड डोर। तो पहली बात तो ऑक्टागोनल है, दूसरी बात चारों तरफ बरामदा बनाए गए हैं, उसके अलावा आर्चेस बनाए गए हैं, उसके अलावा डार्क ग्रे स्टोन का यूज किया गया है, ठीक है, डेकोरेटिव टरेट्स बनाए गए हैं, बुर्ज, टरेट्स मीन्स बुर्ज, ठीक है, और पेंटेड सीलिंग्स हैं और कलर्ड टाइल्स का यूज किया गया है। कहां पे, यहां पे, ठीक है। और द पुराना किला और किला कोहन मस्जिद इनसाइड आर आल्सो एस्क्राइब टू शेर शाह सूरी, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, इसने दिल्ली की 6th हिस्टोरिकल सिटी जिसे आप कहते हो शेरगढ़, ठीक है, जिसे बोला जाता है दिल्ली शेर शाह, ठीक है, शेर शाही, ये भी इसी ने बनवाया था, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्लियर है। तो दिल्ली वैसे 7 शहरों से मिलकर बना हुआ है। पहले ये दिल्ली का पुरम था, तोमर ने बताया था, फिर जब इस्लाम और मुगल्स आ गए तो इन्होंने यहाँ पे 7 नगर बसाए, इन 7ों नगरों को मिलाकर दिल्ली बोला जाता है। छठा ये है और 7वां शाहजहां बनवाएगा, शाहजहानाबाद। इस तरीके से 7 शहर से दिल्ली बनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकबर का टाइम आ गया। क्या बच्चों अकबर पे हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा? और अगर हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा तो ट्रेबियट स्टाइल भी देखने को मिलेगा, क्यों, जोधा भाई महल, ठीक है, हिंदू आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो अकबर के टाइम में टॉलरेंस की पॉलिसी अपने पीक पॉइंट पे थी, जो कि आर्किटेक्चर के थ्रू हमें देखने को भी मिलती है। तो अकबर के जो मोस्टली आर्किटेक्चर थे वो ट्रेबियट और आर्कुएट दोनों का मिक्सअप था, ठीक है। तो अकबर के आर्किटेक्चर में, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है आगरा फोर्ट। देखिए, अब आगरा फोर्ट के बारे में आपको बता दूं, ये रेड सैंड स्टोन से बना था, यमुना के किनारे बनाया गया है, 1565 में स्टार्ट हुआ, 1574 में एंड हुआ। क्या इस टाइम अकबर को या मुगल एम्पायर को थ्रेट था? यस, क्योंकि अभी हुमायूं के टाइम में शेर शाह सूरी ने धमाल मचा दिया था, तो सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा किला चाहिए था, उसी नीड ने इस किले को जन्म दिया जिसे आगरा फोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी नाम का एक शहर जो कि अकबर ने बसाया था, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के ग्रेटिट्यूड में, ठीक है, मतलब ये अकबर ने बसाया था। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को अकबर के बेटों का जन्म हुआ था, और इसकी खुशी में उनको डेडिकेट करते हुए इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनवाया,
बाद में पीने की पानी की समस्या के कारण ये फतेहपुर सीकरी से आके फिर रहने लगे थे आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट मुगल आर्किटेक्चर। अब मुगल आर्किटेक्चर एक चीज और देखेंगे समझेंगे, मुगल आर्किटेक्चर में और क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। फतेहपुर सीकरी जो है, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, फतेहपुर सीकरी 1569 में स्टार्ट हुआ और 1574 में बना। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी वाज टाउन प्लांट, एक प्लांट टाउन था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वहां पे बनाई गई जहां पे कोर्ट के मेंबर्स के रहने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और राज मतलब बादशाह उसके परिवार के रहने के लिए प्राइवेट रेजिडेंस दोनों बनाए गए। ठीक है, और द सिटी इज मॉडेस्ट टाउनशिप कंसिस्टिंग ऑफ हॉल्स, पैलेस, ऑफिस, गार्डन्स, लाइक एग्जांपल ले ले बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती, दीवाने खास, दीवाने आम, जोधाबाई पैलेस, जामा मस्जिद, इबादत खाना, ये सभी इसके एग्जांपल थे। अब देखिए, क्या ये आपको पंचमहल देखने को मिल रहा है? क्या आपको इस आर्किटेक्चर को देखने के बाद आपको किसी इंडियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिला? बिल्कुल। ठीक है, जोधाबाई के घूमने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पे राजा उसका परिवार जाता था, घूमते थे, चारों तरफ से हवा आती थी, अच्छा लगता था, अच्छी बात है। लेकिन कुछ आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं किसका जो ऊपरी भाग है ये बुद्धिस्ट बिहारा के पैटर्न में डेवलप किया गया है। ठीक है, बुद्धिस्ट बिहार के पैटर्न में, क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है वो बुद्धिस्ट बिहारा के टाइप में डेवलप किया गया है। मींस एंशंट हिस्ट्री के आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट दीवाने खास। दीवाने खास बच्चों कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये देखिए, ये दीवाने खास है। चारों तरफ ऊपर छतरी है, डोम नहीं है क्योंकि ये क्या है, टेराबीट स्टाइल है, दो स्टोरी का है, बरामदा है, ऊपर प्रोजेक्शन है, दरवाजे हैं, ये सब खूबियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये सारी खूबियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। ठीक है, प्राइवेट ऑडियंस का हॉल होता था। ये एक स्क्वायर चैम्बर था जो तीन साइड से ओपन होता था। ठीक है, हर एक साइड में बहुत अच्छे से इसको कार्व किया गया था, सजाया गया था। ठीक है, और सेंटर सपोर्टिंग और मैग्निफिसेंट फ्लावर शेप्ड कैपिटल। ठीक है, वेंटिलेशन का प्रॉपर देखभाल किया गया था कि हवा आ और जा पाए, गर्मी ना रहे। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए विंडो दी गई थी हर एक वॉल के अपोजिट साइड पे, चार्मिंग बालकनी बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट ये था, एम्परर का थ्रोन। बोला जाता है कि दीवाने खास में पहले ऐसा होता था, एम्परर यहां बैठते थे, फिर उसके किनारे किनारे लोग बैठते थे। इसमें अलग हो गया, एम्परर राउंड पे इधर बीच में बैठते हैं और चारों तरफ लोग बैठते हैं, और फिर एम्परर कहता है और बताइए क्या हाल है। तो ऐसा कुछ चल रहा था दीवाने खास में। ठीक है, ये देखिए, नेक्स्ट जहांगीर। बेचारे ने पेंटिंग पे बहुत ध्यान दिया, बना कुछ ज्यादा खास पाया नहीं। शालीमार बाग जो है डल लेक के किनारे कश्मीर में, वो इसने बनाया है। इसके अलावा अकबर का टॉम, अपने पिता अकबर का टॉम सिकंदरा आगरा में इसी ने बनवाया है। ठीक है, और जहांगीर का टॉम जो है, जो कि इसी की वाइफ नूर महल ने बनवाया था सादरा में, लाहौर में। तो ये तीन एग्जाम्पल खास हैं। ठीक है, और इसी जगह को लेकर बोला गया है कि मतलब जमीन पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, सॉरी, शाहजहां के आर्किटेक्चर को एक खास चीज से नवाजा गया कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है,
और वो खास चीज जानते हैं क्या है? दीवाने खास। क्लियर है? अभी मैं आऊंगा दीवाने खास पे, कुछ बचा हुआ है देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पेंटिंग अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर शाहजहां, रोमांटिक बिल्डिंग देखने को मिलेगी, मोहब्बत की निशानी, ठीक है। खतरनाक मोहब्बत में पड़ा हुआ इंसान था, प्यार किया तो इसी ने किया और किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो रोमांटिक बिल्डिंग बनाई इसने, ताजमहल इज ए स्क्वायर टॉम, ठीक है। एक हिसाब से ताजमहल जो है वो स्क्वायर टॉम है, जिसे आप मोहब्बत की निशानी कह के दर्शन करने जाते हो, वो एक मकबरा है स्क्वायर में, ठीक है, जो एक रेज्ड टेरिस पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसके टाइम में ताजमहल बना। ताजमहल के अलावा इसके टाइम में व्हाइट मार्बल का यूज बहुत बड़े लेवल पे हुआ, क्लियर है। और इसी के टाइम में पीटरा ड्यूरा का यूज हुआ। पीटरा ड्यूरा क्या है मालूम है आपको? एक वॉल होता है, ठीक है, एक वॉल है, वॉल किनारे किनारे ओपे, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको नुकीली चीज से थोड़ा सा उसमें गड्ढा कर दो, फिर प्रीशियस स्टोन को वहां पे लगाओ, उसे कहते हैं पिट्रा ड्यूरा। बेसिकली ये इटालियन कल्चर था जो शाहजहां के टाइम में इंडिया में आ गया, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक मार्बल का यूज भी ताजमहल में किया गया है, ठीक है। ब्लैक मार्बल का यूज किया गया है ताजमहल में बैकग्राउंड के लिए, ताकि उभर कर चीजें सामने आए, ठीक है। आइए देखते हैं, ये रहा आपका ताजमहल। ताजमहल में देखिए एक अनियन के आकार का डोम मिलेगा। अब ये डोम बिल्कुल डोम नहीं, अनियन आकार, प्याज की तरीके का, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर फिनियल देखने को मिलेगा, जो छतरी टाइप का है। फिर इन्वर्टेड लोटस का आपको डेकोरेशन देखने को मिलेगा। मालूम है पहले ताजमहल कहाँ बनना था? पहले ताजमहल बनना था बुरहानपुर। बुरहानपुर है एमपी में, ठीक है। लेकिन वहां की मिट्टी अच्छी नहीं थी, इसीलिए ताजमहल को आगरा में बनाया गया। क्यों? ताजमहल के नीचे, ताजमहल का जो पूरा बेस है बच्चों, वो वुडन बेस है, आपको मालूम था। और ये जो वुडन बेस है, ये खास प्रकार की लकड़ी है, जो जब जब पानी से जितना टच होती है उतना मजबूत होती है। और इसी के किनारे यमुना नदी है, तो यमुना का पानी जब जब बढ़ता तब तब इसका बेस और मजबूत होता। तो भाई ये एक हिसाब से साइंटिफिकली डेवलप किया गया है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे साइंस का यूज हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत को ऐसे किसी बेस पे आप नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत जल्दी टूट सकती है। मोहब्बत की निशानी थी, प्यार को अमर करना था, तो बनाना ऐसा था कि जी सालों साल चले। तो उडेन बेस पे बनाया यमुना के किनारे, बोला अब ये पूरे जीवन चलेगा, इंसान आएंगे जाएंगे, ताजमहल अपनी जगह रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। यस, अब यमुना सूख गई है तो इनका भी अंतिम समय आ रहा है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिला बेस को, पानी क्या, नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर से लकड़ी और मजबूत होती है, वुडन फ्लोर, ठीक है। चलिए छतरी देखिए, यहाँ पे छतरी का यूज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे गुलदस्ता बनाए गए हैं, मीनार बनाए गए हैं जो 40 मीटर टॉल हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास चीजें हैं, बाद में देख लीजिएगा, यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। अब आते हैं रेड फोर्ट पे। तो क्या बच्चों, शाहजहां ने, देखो समझो, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कैपिटल थी लाहौर, इल्तुतमिश ने कैपिटल बनाई दिल्ली, ठीक है। इल्तुतमिश ने कैपिटल कहां बनाई? दिल्ली। फिर सिकंदर लोधी ने कैपिटल लेके चला गया आगरा, फिर शाहजहां आएगा और कैपिटल फिर लेके चलाएगा दिल्ली। तो शाहजहां ने जब दिल्ली कैपिटल बनाई, तो इसने वहां पे रेड फोर्ट बनवाया, लाल किला, ठीक है, 1638 में। और सेवन सेवन सिटी दिल्ली की डेवलप की, जिसे कहा जाता है शाहजहानाबाद, ठीक है। 9 साल में इसने 1639 में लाल किला बना दिया था, ठीक है। और लाल किला 1639 में बना, इसके एक साल पहले ही ये शिफ्ट हो गया था दिल्ली, 1638 में, ठीक है। यस, रेड फोर्ट इज एन इरेगुलर ऑक्टागन विथ इट्स वॉल गेट्स
and a few other structure constructed in the red sandstone and marble used for the palace. और इसके अंदर जो पैलेस बने हुए हैं वहां पे मार्बल का यूज हुआ है, ठीक है. इट कंसिस्ट दीवाने आम कंटेनिंग द मार्बल कैनोपी. तो दीवाने आम में एक मार्बल की कैनोपी बनाई गई है जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लगती है. ये दीवाने खास है रेड फोर्ट में, लाल किले के अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा. ये एक हाईली ऑर्नामेंटेड पिलर्ड हॉल है, ठीक है. इसकी सीलिंग फ्लैट है, देखिए फ्लैट है, कोई गुंबद नहीं है, फ्लैट, ठीक है. इट इज सेड दैट इट्स मार्बल डाइस वंस सपोर्टेड द फेमस पीकॉक थ्रोन. और बोला जाता है कि यहां पे जो मार्बल की डाइस है वहां पे पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन था जहां पे वो कौन सा है, कोहिनूर हीरा, वो लगा हुआ था, ठीक है. कंसिस्ट ऑफ द एक्सक्यूजाइट मार्बल स्क्रीन कंटेनिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल ऑफ जस्टिस, ठीक है. वॉल ऑफ दिस मार्बल पैलेस इंस्क्राइब्ड विद द फेमस कपलेट क्लेमिंग दैट इफ देयर बी अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज दिस इट इज दिस इट इज दिस. अगर पूरे संसार में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है, ठीक है. यह बोला गया है इस खास चीज के लिए, दीवाने खास के लिए. फिर आते हैं औरंगजेब. औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव मुस्लिम, बोला आर्किटेक्चर अगेंस्ट द इस्लामिक रूल. ये भाई साहब बिल्कुल तगड़ा आदमी निकला, सब तोड़वा दिया, जो बना था तोड़ने लगा, जो बन रहा था रोक दिया. फिर बस अपनी पत्नी के लिए इसने चिपटा हुआ ताजमहल बनाया जिसे आप बोलते हो बीबी का मकबरा. इनकी पत्नी का नाम था बेगम राबिया दुर्रानी, ठीक है. रियलिटी में औरंगजेब जो था बहुत ऑर्थोडॉक्स था, तो आर्ट और आर्किटेक्चर से इसका कोई लेना देना था नहीं. पत्नी जब मरी तो उनकी चाहत थी, तो फिर बेटे को बोला, फिर बेटे ने बनाया, तो बोला तो औरंगजेब ने बनाया, बेटे ने, तो बेटे ने खासकर अपनी माँ के लिए टॉम्ब बनवाया था, ठीक है. और इसे बोला जाता है पुअर रिप्लिका ऑफ ताजमहल, यह ताजमहल की बहुत ही पुअर नकल है, ठीक है, सस्ते वर्जन में ताजमहल, ठीक है. क्या बात है, तुम लोग बिना किसी की मोहब्बत, मतलब वही बात है यार, शाहजहां की मोहब्बत मोहब्बत, बेचारा औरंगजेब की मोहब्बत नहीं कुछ, अरे इसने भी मोहब्बत की थी यार, हा? लेकिन इसका विश्वास जुट गया था आर्किटेक्चर से, तो चिपटा हुआ बना दिया, कुछ तो बनाया, ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन. दिस इज द टेलीग्राम आईडी, यहाँ पे PDF अभी मिल जाएगा. यूज कोड दीपक वन फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है. तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो एट 4:30, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इन अचीवर्स. थैंक यू सो मच.